नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाता है ताकि उसे उसका बुढ़ापा जो है संवारा जा सके, छोटा सा घर बना सके, अपने बच्चों को, अपने बच्चे के बच्चों को थोड़ा सा कुछ दे सके बुढ़ापे में, अपने लिए भी कुछ बचा सके। लेकिन क्या आपने अभी कोई ऐसा धंधा सोचा है जिसमें सिर्फ 5 साल बिना काम किए भी आपको 50,000 से ज्यादा पेंशन मिले तो? जी हाँ, एक ऐसा धंधा है महाराष्ट्र में, एक ऐसा धंधा है जिसमें अगर आप सिर्फ 5 साल भी बिना काम किए भी अगर आप होते हैं तो आपको उसके बाद हर महीने 50,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन वो काम अगर आपने 10 साल कर लिया तो 10,000 और बढ़ जाएंगे, 15 साल किया तो 10,000 और बढ़ जाएंगे। जब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इस राज्य के विधायक हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर एक विधेयक पारित किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। हर एक की पगार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसी ने अपनी पगार बढ़ाई तो इसमें इतना कोहराम मचाने की जरूरत नहीं। लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद 50,000, ये कौन सा हिसाब है? बाकी हिसाब हम पूरी चर्चा में बात करेंगे, लेकिन क्या 5 साल के बाद 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, ये आंकड़े किस ओर ले जा रहे हैं हमारे राज्य को, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे आज के शो में। हमारे साथ इस वक्त हैं बीजेपी से विजय इंगले हैं, रमेश दराड़े हैं कांग्रेस से, और मनसे उपाध्यक्ष हैं उमाकांत कोटनीस। मेरा पहला सवाल विजय इंगले जी से है, देखा तो ये गया है कि आपकी और विपक्षी कभी नहीं बनती, किसी मुद्दे पे एक राय हो ये कभी नहीं हो सकता, भले आप कभी सत्ता में हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जरूर होता है जिसमें बिना किसी को कुछ ही कन्विंस किए आप सब एक हो जाते हैं, और वो मुद्दा है आपस के विधायकों के पैसे का, सैलरी बढ़ाने का, भत्ते बढ़ाने का, रिटायरमेंट फंड बढ़ाने का। इसको लेकर, ये मिलीजुली सरकार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो ये बात मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश का फुटपाथ पे ठेला लगाने वाला हो, इस देश में पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला हो, या हमारे घर में काम करने वाली मुलकरीन हो, चपरासी से लेकर हाईकोर्ट के जज तक, सबको अपनी पगार बढ़ा के चाहिए। और आने वाले समय का जो खर्चा है, सबको अपनी आमदनी बढ़ा के चाहिए। लेकिन आमदार, खासदार, राजनीति वालों ने अगर अपना पगार बढ़ा के लिया तो जो आदमी अपने दायरे में रहकर अपनी पगार बढ़ाने की इच्छा रखता है, अगर आमदार खासदार को अगर पगार बढ़ता है तो वो ऑब्जेक्शन लेता है। मुझे लगता है कि अजी साहब, अगर आपकी सैलरी बड़ी होती ना, जैसे मेरी सैलरी या किसी और की सैलरी बढ़ती है तो 10% 15% बढ़ती है। इनकी सैलरी जो पहले 57,000 थी एक विधायक की, वो 1.5 लाख हुई है, तिगुनी हुई है, इसका कैसे आप जस्टिफिकेशन करेंगे? ये बड़ी नहीं है, ये फुगा के बढ़ाई गई है, ऐसा लग रहा है तिगुनी सैलरी कर दी इन लोगों की, वो भी इन लोगों को कम लग रहा है। अब बताइए, देखिए, तिगुनी कर दी आप, अभी आप ही ने आप बता रहे तिगुनी कर दी। इस पूरे सामाजिक कार्य में जब आमदार खासदार जब अपने विभाग में काम करते हैं तो उनको खर्चा भी उतना आता है। सिर्फ दूसरी बात ऐसी है कि ये जो आमदार है, खासदार है, हम हमेशा ऐसा ये सोच रखते हैं कि अच्छे लोग इस राजनीति में आने चाहिए, और अच्छे लोग अगर आने चाहिए तो उनको अच्छा मानधन भी मिलना चाहिए। हम लोग इसको पगार, सैलरी नहीं बोलेंगे, मतलब पगार नहीं, ये जो आमदार या खासदार को जो मिलता है इसे हम लोग मानधन कहेंगे, क्योंकि कोई पेमेंट के लिए उस क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं, वो दौर गया, जब लोग राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए, समाज सेवा के लिए आते थे, आज एक करियर बन गया है और आपको इसको मानना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे बता, अगर करियर बन गया है तो ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट आते हैं, एसएससी एचएससी में जो फर्स्ट आते हैं, मुझे बताइए कितने बच्चे कहते हैं कि मुझे राजनेता बनना है? कितने राजनेता का बेटा राजनेता ही तो बनता है? मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी से, आम जो आदमी है, अगर बच्चों लोग का आप इंटरव्यू देखे, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, पूरी जिंदगी भी निकाल देगा तो कार्यकर्ता के ऊपर नहीं बढ़ता, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अगर यहाँ पर भी एक अच्छा सम्मान और अच्छी अगर सैलरी अगर इनको भी मिले तो मुझे लगता है जो स्वच्छ आमदार है, जो स्वच्छ खासदार है,
जिसे प्रामाणिकता से राजनीति करना है उसके लिए यह अच्छा है। इस मौके पर हमने सिर्फ ऐसा एक कुछ सम्मानी अपवाद जो है वो छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ एक ऐसा आमदार विधायक निकला जिन्होंने इस सैलरी जो हाइक की है इसे लेकर ऑब्जेक्शन लिया, वो है सम्माननीय बच्चू कड़ू साहब। उन्होंने कहा कि ये सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, ये इतना बड़ा बोझा डाला गया है इस महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी पर कि शायद अब दिवाला निकलना ही बाकी। रमेश दरड़े हमारे पास कांग्रेस के, उनसे इस बार जानना चाहूंगा, पहले सैलरी थी 57,000 और अब है 1.5 लाख रुपए, पहले आपका विधायक का जो रिटायरमेंट का जो पेंशन था वो 40,000 था, अब 50,000 है, अगर आपने सिर्फ एक टर्म पूरी की हो तो 50,000 आपको मिलेगा हर महीने, दो टर्म किया होगा तो 60,000, तीन टर्म किया होगा तो 70,000, चार टर्म किया होगा तो 10-10,000 बढ़ा दे जाइए, कैसे इस बात को आप जस्टिफिकेशन करेंगे? पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इस बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, जिस विषय को आपने आम जनता के सामने लाने की कोशिश की। और सेकेंड पार्ट जो मैंने कहना चाहता हूँ, जो मेरे ब्रदर मेरे भाई इन्होंने कहा उनके कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं विधायकों को 3 गुना बढ़ा के देना, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है इस सरकार ने, चाहे वो विपक्ष में बैठे हो चाहे आपके विधायक भी उसमें शामिल हैं। विधायक इनकी पार्टी, बीच में नहीं बोला सर, खाली सुन लो, मैं बोलने को चांस दिया आपको, मैं बोलने को चांस क्षमा चाहता हूं, बोलिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, दोनों पार्टी के विधायक जो है रूलिंग में हो अभी विपक्ष में जो हमारी सरकार जो जो लोग बैठे, सभी लोगों का इसके अंदर बहुत 100% दोष है, क्योंकि है ना जितने भी MLAs है जितने भी विधायक है ये सब गर्व श्रीमंत है, गर्व श्रीमंत क्या कहने। अब आपने आंकड़ा निकाल लिया तो मैं बता दूं आपको, नहीं मैं बता दूं, 366 आमदार हैं मतलब विधायक हैं, और 253 जो विधायक हैं वो करोड़पति हैं, करोड़पति नहीं अब्जोपति हैं, और उसमें से 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले विधायकों की संख्या 80 से ज्यादा है, मतलब इनकी इनके लिए 50,000 का सैलरी। मुझे वही बात पे आपको क्लेरिफिकेशन देना है, वही बात पे आप, उसी बात में मैं आपको लाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा 10 करोड़ के ऊपर मतलब 75-80% लोग है, तो ऐसे विधायकों को ये 2 लाख जो है क्या तनख्वाह के या मानधन के, जैसे जो भी आपको जो शब्द आपको उचित लगे वो शब्द को आप घुमा सकते हो, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि अगर मैं अगर किसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो मुझ पर हक भंग लाया जाएगा और मुझे पेशी कर दी जाएगी विधानसभा के सामने, इसीलिए मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये वसूल रहे हैं विधायक, इसीलिए मैंने कहा आप जिस शब्द को उचित समझे उस शब्द को लाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं वहां पे अपनी बात रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये महाराष्ट्र के सारे विधायक महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूट रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हो, तुमको और हमको लूट रहे, चाहे वो विपक्ष में भी हो, मैं हमारे सत्ताधारियों को दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि उनको तो दोषी है, हमारे विपक्ष वाले भी दोषी है, जिस तरह एक मर्द का बच्चा जिसे कहला है वो आमदार है विधायक सम्मानीय बच्चू कड़ू, जिन्होंने आवाज तो उठाई, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला है, जिसका अचलपुर ये क्षेत्र है वो अचलपुर एकदम रूरल एरिया से आया हुआ है, उस आदमी को जिस आदमी ने ये विषय उठाया है उस विषय को ये 288 लोगों ने और विधानसभा विधान परिषद के लोगों ने ये विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक आदमी आम आदमी को जीने के लिए कितना चाहिए, आपके परिवार में 2 बच्चे, नेताओं के पेट कभी भरते नहीं, ऐसे कई नेता जो भी जेल में भी सामान्य आदमी की बात करो, पता चला है कि 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक नेता की सील की गई जो भी जेल में। खैर उमाकांत कोटनी से जो मैं जानना चाहूंगा आपकी पार्टी इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करेगी। पार्टी यानी पहला ऐसा है जो आपने आज सब्जेक्ट लिया है, मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया आपको देता हूँ कि आज जब मैं घूमता हूँ शिवाजी पार्क एरिया में जो चर्चा चल रही है कि इस ढंग से जो आज लोगों को पैसा दिया आमदार को जो पैसा दे दिया वो गलत है सब लोग बोल रहे, और जो लोग आप बोलते हैं कि आज इनका जो कहना है कि 11वीं पास हो गया 12वीं हो गया फर्स्ट क्लास आने को आते नहीं, क्योंकि उसका नतीजा क्या पहला समझ के ले तो क्यों आते नहीं है, आज जिस ढंग से सरकार चला रहे है जिस ढंग से आमदार बनने का जो चल रहा है उसको ये हो गया सब कि क्या करेंगे साले जाके, वो लोग यही करना है हमको समाज की सेवा करना है तो इस ढंग से काम करेगा तो कैसे चलेगा, ये हमको पसंद नहीं है इसलिए वो लोग नहीं आते, उनको आने का है जैसा उसको को डॉक्टर बनना है उसको अपना इंजीनियर बनना है उनकी भी खाती है कि यार मुझे भी आमदार बनना है खासदार,
लेकिन ये होने के बाद अभी लोग बोल रहे हैं क्या सब जनते को लूट रहे हैं, और दोनों विपक्ष में जो बैठे हैं उन्होंने कम से कम ये बोलना चाहिए, एक ही आदमी निकला, वो जनता का एक ही आमदार निकला कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, ऐसा करके ये कर रहे हैं, लोगों को लुटा रहे। तो मेरी यही कहना है अभी भी वही सोच समझ के कुछ ना कुछ डिसीजन विधानसभा में लेना होना चाहिए, यही मेरा कहना है। सबसे सबसे जो गंदी बात इस वक्त नजर आई वो थी अधिवेशन के आखिरी दिनों में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। उस वक्त महाड़ में सबसे बड़ा हादसा हुआ था, पूरे राज्य की निगाहें वहां पे थी, दो बसें बह गई, कई सारे छोटे वाहन बह गए, कितने लोग इस नदी में बह गए अब तक इसका आंकड़ा नहीं आया। और उसी वक्त, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री सारे अपनी सैलरी बढ़वाने में लगे थे। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। जब महाड़ में कई सारी नदी, जो नदी में कई सारे वाहन बह जा रहे थे, दो बसें गायब थी, पूरा महाराष्ट्र एनडीआरएफ की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी हुई थी, तब ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र सरकार के अधिवेशन में ये लोग अपनी सैलरी बढ़वाने में लगे थे। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अब इस बात का आप जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, मैं विजय इंग्लिश से इसका जवाब चाहूंगा। महाड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग चर्चा कर रहे वेतन वेतन बढ़ाने की, कम से कम इस बात की तो शर्म आती है कि इतना बड़ा हादसा महाराष्ट्र में हुआ है, इस बात को अगले अधिवेशन तक, यानी कि अब सिर्फ तीन महीने के अगले अधिवेशन तक उसी दिन डिसीजन लिया गया है, उसी दिन सेम डे लास्ट के दिन। हां तो शर्म, इतना तो शर्म बाकी रहना चाहिए। उस डिसीजन को, शर्म ना डिसीजन को किसी ने अपोज तक नहीं किया, इतने बेशर्म नेता है विपक्ष और सत्ताधारी के, और इसके लिए वो सब लोग एक साथ में आ गए। हाँ, किसी ने तो कहना बोले बहुत हादसा हो गया, कुछ करना चाहिए, सारे गरीब लोग मर गए हैं। सत्ता तो सत्ताधारी पार्टी ने लाया था, इसलिए जवाबदेही उन्हीं की बनती है, विजय इंग्लिश की बनती है। सत्ताधारी पार्टी ने प्रस्ताव लाया था, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है क्या? नहीं, ये पूरे देश भर में हो रहा है। सभी राजनीतिक दल चोर हैं। मैं आपको दिल्ली के विधायक की 46,000 है, सभी राजनीतिक चोर है, ऐसा कहते हुए जो आप पार्टी जो आ गई दिल्ली में सत्ता में, उन्होंने भी पगार बढ़ाया, उनके नाम मंजूर कर, लेकिन नहीं नाम मंजूर, उन्होंने प्रस्ताव तो पारित किया, सभी लोगों की बढ़ भी जाती है, तो आपके विधायक की अभी जितनी सैलरी लोगों ने बढ़ाई होती। मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपके सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल मान ली भी लिया जाता है राज्यपाल के थ्रू, नजीब जंग के थ्रू, तो भी उनकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती जितनी अभी आपके विधायकों की बढ़ी है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, इसमें देखिए जो भ्रष्ट आदमी है, अभी छगन भुजबल जैसे लोग हैं, उनको 1 लाख या 10 लाख भी आप सैलरी बढ़ाओगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसमें जो प्रामाणिकता से इस देश में राजनीति करने वाला है, मैं ऐसे एक उदाहरण जानता हूं, मेरे मित्र है दिलीप कांबले, अभी सम्माननीय समाज कल्याण मंत्री है, अभी सेकेंड टाइम भी उनका एफिडेविट, जब मंत्रियों की प्रॉपर्टी कितनी जब पेपर में आई तो उनकी 30 लाख रुपये आई है। और मुझे पता है जब पहली बार वो समाज कल्याण मंत्री बने थे, पत्रे के घर में वो आदमी पूना में रहता है, उस आदमी को मुंबई में आने के लिए किसी एक ने गाड़ी दी, किसी एक ने डीजल दिया, और किसी तीसरे ने उस आदमी को सफारी फ्री में सिलवा, मतलब गिफ्ट सिलवा के दी। अगर इस राजनीति में मेरे भाई इधर जो अभी बोल रहे ना, ये सभी लोग, सभी पक्ष, आदमी को सभी, आप उस आदमी के बारे में सम्मान करते हैं। मैंने आपसे इसके पहले माफी मांगी थी, अभी आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी भी पार्टी, सभी पार्टियों ने एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पूरे देश में। हम अगर पूरे देश के सभी आमदार, सभी खासदार को अगर गलत करेंगे, गलत कहेंगे, तो ये इस देश के लोकशाही के ऊपर अविश्वास है। भारतीय संविधान ने अगर आपकी सैलरी 57,000 से 70,000 भी कर दी जाती है ना,
तो भी शायद इतना बड़ा केओस इस पर नहीं होता। आपने द्विगुनी सैलरी कर दी, 3000 गुना मामले में, 3000 को करोड़ों का मामले में। आपके पास आंकड़े वाली है? अरे इधर बैठ के आप बात कर रहे, सभागृह में आपने समर्थन किया, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप पार्टी छोड़ दो, आपके पार्टी ने, आपके पार्टी ने, आप पार्टी छोड़ दो, क्या दोनों जन, आप दोनों जन अभी क्या अभी पार्टी का इस्तीफा दो, आपकी पार्टी ने, हम तो ये बोल रहे हैं, ये बोल के फायदा क्या? हम तो ये, अरे भाई हम तो ये बोल के भैया क्या, मुख्यमंत्री आपका सत्ताधारी, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने, आप, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी ने गलत चीज का समर्थन किया। क्या आप दोनों इस पार्टी का इस्तेमाल दोगे? इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के, गलत चीज का, चैनल के माध्यम से लोगों का जवाब दो। समर्थन तुम, क्या पार्टी, क्या आपकी पार्टी, तुम और हम करोगे गलत? हम सामान, पैसा तुम्हारे किस में जा रहा है? हमारे किस में जा रहा है? हम टैक्स पे रहे, वो टैक्स पे नहीं है। अरे आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है, आपकी पार्टी का निषेध करो सबसे पहले। हमारे पार्टी का हो या पक्ष, आपका विपक्ष हो, आप पार्टी का इस्तीफा दो, उस पार्टी का निषेध करो, आप बोल सकते हैं। तो उसको बोला कि विधान भवन में आपकी पार्टी ने समर्थन किया है, विधान भवन में, अरे विधान भवन में, विधान भवन में आपकी पार्टी ने समर्थन किया। आप बोल रहे हैं बिल्कुल ये झूठ, लोगों को गुमराह मत करो। शर्मनाक की बात है, झूठ बोल रहे हैं, शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। उसी दिन लाश के दिन निकल कर, अरे भाई आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने समर्थन किया है। अरे लेकिन मुख्यमंत्री का सोहेद है, आपके नेता को सुझा नहीं, अरे क्या सोहेद है क्या? अरे सीधी बात है, आपने आमदार तो आपके नेता है ना, जिस पार्टी में हो, जो उधर बैठे हैं आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। पहले पार्टी समर्थन कर रहे हैं। रमेश जी, मेरा एक सवाल हो सकता है, ये बात दरड़े जी, मेरा एक सवाल आपसे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा तो एक सत्ताधारी पार्टी और एक विपक्ष, विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सत्ताधारी पक्ष की मनमानी को रोके, चाहे इसे आप संविधान का काम कहें या आपकी नैतिक जिम्मेदारी कहें या एक राजनीतिक चाल कहें। आप ये बात मिस कर गए। अगर उस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस बात को, सरकार के इस प्रस्ताव को विरोध किया होता कि भाई इस, ये मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है कि इस विधेयक को जो है पटल पे लाया जाए, अगर आप लोग इसका विरोध करते तो आपकी छवि जो जनता के नजर में बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से 15 साल की सत्ता आपकी, आपको बेदखल हुआ, आपको होना पड़ा है, शायद आपकी इमेज ऐसी बनती कि अगर दोबारा कांग्रेस के या राष्ट्रवादी कांग्रेस को मौका मिलने की आसार जो है वो बढ़ जाते। मैं गलत कह रहा हूं? आप एकदम सच बात कर रहे हैं, मैं यही तो कहना चाहता हूं, चाहे विपक्ष में हो, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं जानता हूं हमारे नेता भी, उनको भी समय में आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य लोगों को, जिनको चाहिए वो कोई विरोध नहीं करेगा। मैं उनको भी बहुत निंदा करता हूं, मैं दिल से निंदा करता हूं, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। चाहे हमारे नेता हो, जो कोई भी हो, कोई भिखारी नहीं है, सब पैसे वाले, सबके शुगर फैक्ट्रीज है, सब कारखानदार है, चाहे वो कोई भी हमारा नेता हो, मैं उनका निषेध करता हूं। एक मुद्दा ऐसा है, मैं आंकड़ेवारी बताना चाहूंगा, हमारे राज्य की आर्थिक परिस्थिति फिलहाल कैसी है। इस राज्य पर 31 मार्च 2016 तक 3,79,000 करोड़ का कर्जा है, यानी लगभग 4,00,000 करोड़ का कर्जा है, और इस कर्जे पर सरकार हर साल 28,220 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज देती है। यानी मुद्दल जो है जैसे का वैसा है, असल जैसे का वैसा है, ब्याज जो है 28,220 करोड़ रुपए देना पड़ता है। अब इन विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने के बाद हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझा जो है इस महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी पर पड़ेगा, यानी हमारी तिजोरी पे पड़ेगा, हमारे पेंशन, हमारे जो सैलरी, हम जो टैक्स पे करते हैं सरकार को, हमारे विकास के लिए, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो फिर पानी की व्यवस्था हो, या फिर और जो भी कोई काम हो, लेकिन इसमें से ज्यादा जो पैसा है, जो हमारा टैक्स का पैसा है, इसमें से लगभग 80,000 करोड़ रुपए हर साल 80,000 करोड़ रुपए इन नेताओं के पेंशन सैलरी पर जाएंगे। ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। एक हमारे पत्रकार हैं, केतन तिरोड़कर नाम है इनका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने इन विधायकों की जो सैलरी बढ़ी है
इसे लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए और हाई कोर्ट में पूरे आंकड़ेवारी के साथ बताया है कि इन लोगों को इतनी बड़ी सैलरी की जरूरत क्यों नहीं है और इनकी सैलरी रोकी जाए, इसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी किए। केतन तिरोड़कर जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, इस तरह का उन्होंने पीआईएल दाखिल किया। इस पर भी चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। पत्रकारिता को लोकशाही का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमें एक जिम्मेदार की तरह माना जाता है कि हाँ, अगर कभी नेताओं से या सरकार से चूक हो जाए तो हम जो हैं उनके लिए एक ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे इनकी मनमानी पर रोक लगाई जा सके। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं केतन तिरोड़कर, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार के इस फैसले के खिलाफ, ये विधायकों का पेंशन सैलरी वगैरह वगैरह बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर किए और उनका अनुभव देखते हुए उनकी पीआईएल जो है वो हाई कोर्ट ने तुरंत नामंजूर नहीं किए, उसे अपना लिया, उसे चर्चा के लिए रखा है। शायद अगर हाई कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में आया तो जो सरकार की किरकिरी होगी वो शायद ऐतिहासिक होगी। विजय इंगले जी, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने आपका फैसला बदल दिया तो न्यायपालिका और संसद इनके बीच में टकराव की संभावना है। अब तक का ये देखा गया है कि संसद जो है वो न्यायपालिका के खिलाफ टकराव टालती है, अगर ऐसा हुआ तब अब की सरकार की जो किरकिरी होगी वो शायद ऐतिहासिक होगी। देखिए, ये किसी पक्ष का या किसी सरकार आपकी जवाबदेही बनती है, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। किसी पक्ष का या किसी सरकार का ये नहीं, ये संवैधानिक जो ढांचा है, असल में देखा जाए तो विधान भवन में, संसद भवन में जो निर्णय होते हैं वो निर्णय कोर्ट में, उसमें अपील नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट में ये जाना आप हाई कोर्ट, अगर इनका कोई मनमानी अगर फैसला हो ये जनता के नुमाइंदे नहीं कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट का जज जो बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठा है, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह कौन तय करेगा? संसद में जो बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको जानकारी, एक मिनट, ये गलत जानकारी आपकी, आपकी गलत जानकारी है। हाँ, बताइए। केंद्र सरकार में कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया नाम का एक फंड होता है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी जो है वो पहले से उस कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में होती है। उनकी एक मिनट, उस पैसे पर संसद में चर्चा नहीं होती, यानी कि जो खर्चे के लिए बजट होता है, बजटरी, एक मिनट मैं आपको पूरी बात बता दूं, बजटरी प्रोविजंस में इस कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि अगर हर साल संसद के सामने इन जजेस की सैलरी चर्चा के लिए आएगी तो वो निष्पक्ष तरीके से न्याय नहीं कर पाएंगे। बात को समझ लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। नहीं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजेस, इनकी सैलरी पर कभी, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, जजेस हो, इस देश में कोई भी ऐसा पद नहीं है, मुझे ये कहना है कि संविधान में संसद हो, विधानसभा हो, इनको कुछ अधिकार दिए हैं और इस अधिकार में हम लोग सभी राजनीतिक नेताओं को कटघरे में खड़ा करना यह गलत है। सभी लोग चोर है, सभी लोग गलत है, इनको पेमेंट नहीं बनना चाहिए, सभी लोग करोड़पति है, आखिर देश चलाने वाले यही लोग है। शर्मनाक बात है जिस तरह से बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। ये पैसा जनता का, ये पैसा तुम्हारा, ये पैसा हमारा, ये पैसा आम गरीब का है, ये ठेले वाले का, ये मजदूर का, ये पैसा मुझे बताइए, टैक्स हम लोग भरते हैं, बताइए। एक महीने के अधिवेशन के अंदर, 5 तारीख से लेकर 24 तारीख, एक महीने के अधिवेशन के अंदर मुझे बताइए कौन सा अपांग के लिए योजना किया, कौन सा निर्धारण के लिए ठहराव पास किया, कौन सा आदिवासी के लिए पास किया? आप मुझे बताइए, आपका ये क्लासेस कांग्रेस के कोई नेता का ये क्लासेस मुझे, देश में कौन से तुलदार पे चर्चा,
कौन से कर्तव्य पर चर्चा हो गई? अरे चर्चा कौन से अनाज पर चर्चा हो गई मुझे बताइए, कौन से किसानों के बारे में चर्चा किया, कौन सा डिसीजन लिया, डिसीजन लिया मुझे बताइए। यही बात मैं पूछ रहा हूँ, ये सब चर्चा है कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं की? खाली खाली पैसा बढ़ाओ, खाली पगार बढ़ाओ। आप दोनों को रोकना चाहूंगा विजय अंगले जी, इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं इस देश में। विजय अंगले जी, मेरा सवाल दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ, इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अगर कितन तिरोडकर की पीआईएल पर हाईकोर्ट ने अगर ये कह दिया कि ये जो भी सरकार का फैसला है वो गलत है, तब आपकी जो किरकिरी होगी। आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मैं हरीश रावत का जो मामला है उत्तराखंड सरकार में जो हुआ था उसकी याद दिला दूं। आपने जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश की थी, हाईकोर्ट ने उसे वापस कर दिया और कांग्रेस के दोबारा हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री बने। आपको मैं इसलिए हरीश रावत का मुद्दा एक राज्य का रिलेवेंट नहीं है, रावत का यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, लेकिन न्यायपालिका और संसद के बीच में अगर टकराव होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि न्यायपालिका आपके फेवर में ही डिसीजन दे। अभी मेरी बात हो सकता है, बोलिए अभी मेरी बात सुनिए। हरीश रावत का मुद्दा एक राज्य का है, इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जिन्होंने सैलरी बढ़ाने का जब ठहराव आया तो इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जिस राज्य में बहुमत से प्रस्ताव हो गया कि सैलरी नहीं बढ़ानी है। अरे सर, अरे मेरी बात बढ़ाने में अरे आप तो बात नहीं समझ रहे, आपके नेता लोग के सो आगे जाके कहना चाहते हो। एक मिनट सुनिए, मुझसे तो उसके आगे जाके आगे मत जाइए, यहीं पे कहिए। मैं बोलता हूँ ये विधान परिषद है, विधान परिषद रद्द कर देना चाहिए। आज के 10 राज्यों में देखिए विधान परिषद है क्या? नहीं है। ये महाराष्ट्र में ये फजूल का खर्चा है, ये मेयर है, मेयर का पद डिसॉल्व करिए। आजू के राज्य में है क्या? नहीं है। फजूल का खर्चा है, ये मेयर शरीफ स्टडी करिए। दोबारा से वोट हुकुम लाएंगे? नहीं, हम तो सैलरी बढ़ा के रहेंगे। अभी ये तो संवैधानिक मुद्दा है, हाईकोर्ट की घटना में देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट की कितनी पावर। मैंने आपको हरीश रावत का उदाहरण दे दिया, हरीश रावत का अलग मुद्दा है। इस यहाँ पे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव हुआ है, हरीश रावत का मुद्दा अलग था, सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो पारित हुआ है और सिर्फ लूट करते हैं। अगर तो अगर आप जैसे दूसरा दूसरा एंगल में बताना चाहता हूं, अगर आप जैसे कह रहे हो, अगर हाईकोर्ट में मान लो, अगर हाईकोर्ट में आपने बोले जैसा हो गया तो वही हर एक राज्य में भी वही चर्चा होगी, हर एक राज्य में भी वही विषय है। पार्लियामेंट में भी यही विषय है। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय ये अभी जब ये चीज कोर्ट में जाती है तो सैलरी का विषय नहीं आता है, कोर्ट में जाने के बाद में मनमानी विधान भवन का हक का भंग है कि विधान भवन को हक है कि नहीं, ये विषय आ जाएगा। अब शायद हक तय करने का वक्त आ गया है, ऐसा नहीं लगता आपको? कौन तय करेगा? मतलब मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैं नहीं कौन तय करेगा? जिसमें इस लोगों ने, इस देश के लोगों ने जो संविधान भवन में बैठे उनको चुन के दिया है। आप हम कह रहे ये हमारा पैसा, हमारा टैक्स, हमारा ये, अरे सब बिल्कुल ये सब हमारा है। तो जो क्या विधायक जो बैठे, जो मंत्री बैठे, वो हमारे नहीं है? वो सोशल वर्कर है, समाज सेवा करने बैठे, वो पगार लेने बैठे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात करे? आपको समझ में आया क्या बात करे? मेरे एमपी जी पगार बढ़ाने में समझ में आया क्या बात करे? समाज सेवा करने बैठे, वो तुम करने बैठे 3 गुना। पूछो आपके कांग्रेस बात करे, आप कांग्रेस के आमदारों को पूछो, वो जो पगार बढ़ा दे दिया है ना, उनको जो दे दिया है वो कितना दे दिए? हर एक एम्प्लॉय को भी कितना पगार पड़ता है? तो एक एम्प्लॉय का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तिगुनी सैलरी किसी की भी नहीं है। वही मैं बोलता हूँ, मुझे बताना चाहता हूँ, 40 साल आप आजादी से, आजादी के बाद 40 साल कुछ किया नहीं, इसलिए आपको दे दिया वो कुर्सी। क्या कर रहे हैं अभी? एक देखो, मैं बोलता हूँ साहब, मैं खुद बैंक में काम करता था, मैं जब रिटायर 40 बरस काम करने के बाद भी अभी मेरी जो वेतन है यानी पेंशन है वो खाली 25,000 रुपए 40 बरस काम। वो इसलिए उमाकांत कोटनी जी, क्योंकि आप जो है आपकी पेंशन खुद नहीं तय करते, इस राज्य के विधायक जो है अपनी पेंशन वही बोलता हूँ तय कर रहे हैं। वही बोलता हूँ मैं कि वो जो कर रहे है वो किसके खिलाफ कर रहे है, सब जो जनता है वो उसके ऊपर विरोध करे। एक टाइम आपको मालूम पड़ेगा, लोकशाही में, अरे लोकशाही छोड़ो, आपने क्या दिया था लोगों को? क्या बोला? आप क्या देने वाले? आपके एमएलए ने कहा कि हमको सैलरी भाई सबका आप हूं। क्या बोल रहे हैं? आपके समझ मैं वही बोलता हूं, सब जो कुछ बैठे हमारे हो गए, आपके हो गए, कांग्रेस के हो गए, आपके समझ कोई भी हो, उन्होंने वो लेना नहीं चाहिए।
तो ये मेरा ना जनता आपके आपके पक्ष के प्रमुख को आपके पक्ष से अच्छे दिन आए इनके लिए अच्छे दिन आए पक्ष के प्रमुख को ये बताइए कि भाई हमारा ये कहना है ये करो मूंग दाल तूर दाल ये बात तो ये बात ₹200 रमेश दराड़ी की इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अच्छे दिन चाहे जनता के लिए आए हो या नहीं आए हो लेकिन इस राज्य के लिए अच्छे विधायक पूर्व विधायक उन सबके लिए जरूर आए अच्छे दिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कुछ विधायक है कुल 4 विधायकों ने अपना जो बढ़ा हुआ वेतन है उसे लेने से मना कर दिया सच में किया है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है ब्रेक के बाद बात करेंगे इस सारे मामले में 4 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना बढ़ा हुआ वेतन लेने से मना कर दिया इनके नाम मैं आपको बता दूं श्रीकांत देशपांडे हैं कपिल पाटिल हैं विक्रम काले हैं और रामनाथ मोते हैं इन लोगों ने कह दिया कि नहीं हमें जो है हमारा बढ़ा हुआ वेतन नहीं चाहिए लेकिन असलियत क्या है असलियत यह है कि ये जहां से चुन के आते हैं शिक्षक मतदार संघ से वहां के शिक्षकों में एकदम इनकी सैलरी को लेकर गुस्सा है क्योंकि महाराष्ट्र में बिना अनुदानित कॉलेजों की संख्या जो है कुछ हजारों में है और ये जो बिना अनुदानित शिक्षक हैं जिनको सैलरी ठीक समय पर नहीं मिलती उनकी संख्या कुल 21,000 से ज़्यादा है अब जिनको ये विधायक के तौर पर चुन के देते हैं ये 4 लोग उनकी सैलरी 1.5 लाख और इन शिक्षकों को 5,000 भी महीने का ठीक से नहीं मिला अब से नहीं कई सालों से नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं तो इन 4 विधायकों ने कह दिया नहीं हम तो बढ़ी हुई सैलरी नहीं लेंगे ताकि जो गुस्सा शिक्षकों में बढ़ रहा था उसे कम किया जा सके अब मैं बताता हूँ असलियत क्या है असलियत यह है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते एक बार आपकी सैलरी बढ़ गई तो बढ़ गई वो ट्रेजरी में जमा होगी आपके अकाउंट में जमा होगी अगर आप सच में चाहते हैं कि आप बढ़ा हुए आपकी सैलरी न लें तो आप उस ट्रेजरी से अपना चेक निकालिए चेक वापस लिख के दीजिए महाराष्ट्र सरकार सादर और उसको वापस कर दीजिए लेकिन इन 4 में से ऐसा किसी ने नहीं किया जाहिर सी बात है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है शिक्षक मतदार संघ के चुनाव हो जाएंगे ये लोग अपना 1.5 लाख सैलरी वसूल करेंगे विजय इंग्लिश मैं गलत कह रहा हूं ना आप बिल्कुल सही कह रहे तो क्या ऐसे पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए भी आपकी सरकार में कोई प्रयोजन नहीं है कि देखो ये लोग ना गलत कर रहे हैं ये तो मैंने पूरी जानकारी निकाली है इसके बाद मुझे पता चला कि इन लोगों ने जो है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपनी सैलरी बढ़ाने से लेने से मना कर दिया मैं ये कहता हूं कि इस देश में अगर आदर्श राजनीति हम करना चाहते हैं आपकी आदर्श राजनीति की व्याख्या अब मैं पूरी सुन आपको मैं पूरा मौका देता हूं अब मैं आपकी आदर्श राजनीति की व्याख्या सुनना चाहता हूं बोलिए इस देश में अगर हम लोग आदर्श राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में अगर मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर अच्छा आदमी कोई अच्छे होदे पे काम करता है अगर इस तरफ में अगर अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए तो अच्छी सैलरी उनको मिलनी चाहिए और मंजूर है भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति जब हम करना चाहते हैं तो जो आदमी उस तिजोरी पे बैठा है उसका तो पेट पहले भरा होना चाहिए अगर उसे हम लोग भूखे पेट रखेंगे तो कहीं पे चोरी होने की संभावना है अच्छी सैलरी मिलने के बाद में भी अगर कोई ऐसे इस तरीके से अगर कुछ भ्रष्टाचार में आते हैं तो उसको कठोर दंडित करना चाहिए अब ये जो सैलरी का जो मुद्दा है ये आने वाले समय में जैसे कोर्ट में ये मुद्दा जाने के बाद में ये घटनात्मक लड़ाई हो जाएगी कि भाई कितना अगर हर किसी को और मुझे लगता है कि जहाँ पे आपने बताया मेरे दूसरे पक्ष वाले भी कह रहे हैं तो मुझे लगता है शायद जनभावना देखकर अगर सरकार संवेदनशील है MLA अगर संवेदनशील है तो फिर से विधानसभा में ये प्रस्ताव लाके ऊपर उसको चर्चा करके लेकिन ऐसा इस देश में कभी हुआ नहीं है अब आपको मैं जवाब देना चाहूंगा आपने बोल दिया आदर्श राजनीति की व्याख्या आम जनता ये कहती है कि साहब नेताओं का पेट कब भरा है इनका पेट कभी नहीं भरता पूरा देश भी डकार लेंगे तो भी इनका पेट नहीं भरता अब आपने कहा था कि किसी की कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरी अगर 50,000 है तो उसे 50,000 मिलने में क्या तकलीफ है बिल्कुल मान लिया लेकिन अगर किसी की सैलरी वहां 50,000 है तो आपके विधायकों की सैलरी यहां पे 1.5 लाख कर दी है 1.5 लाख उसके बाद भी 5 साल के बाद उसको 40,000 का पेंशन मिलेगा यह कहां से जायज है आप बता सकते हैं दूसरी बात क्या गारंटी है कि जो क्लीन आदमी पॉलिटिक्स में आएगा वो उस दलदल में घुसने के बाद भी क्लीन रहेगा इसकी आप गारंटी लेते हैं तो ये गारंटी वाले लोग कहां से लाएंगे अमेरिका में से लाएंगे इंग्लैंड में से लाएंगे जापान में से लाओगे अभी आपने इंग्लैंड का जिक्र किया तो आपको बता दूं इंग्लैंड का जिक्र किया आपको मैं अपने देश में इंग्लैंड का जिक्र आपने किया देखिए ये
ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड के प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद लगभग 3 हफ्ते वो अपने लिए एक घर किराए पर ढूंढ रहे थे और अपना सामान खुद वसूल कर उठा कर लेके जा रहे थे। सबने मीडिया में देखा है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इंग्लैंड के प्रधान की बात कर रहा हूं, बाबा साहब जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम आदर्श मानते हैं, जिस इस देश की घटना लिखी, जिसकी घटना हमारे यहां पे, जिनकी लोकशाही और हमारी लोकशाही लगभग सेम है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश की घटना लिखी। उन्होंने ये बताया कि इस देश को राजनीति में कैसे नेता मिलेंगे, जैसे इस देश की जनता है वैसे नेता मिलेंगे। राजनीति करने के समय, राजनीति करते समय इस देश की ये आईना है। देखिए नेता, नेता कोई नहीं बनता। अगर मैं चाहूं मुझे सीएम बनना है, मैं चाहूं मुझे एमएलए बनना है, मैं चाहूं मुझे नगर सेवक बनना है, मैं बन नहीं सकता हूं। इसे देश की जनता उसे चुन के देती है। और मैं जनता को भी कटहरे में खड़ा करना चाहता हूं किसके ऊपर बहस होना चाहिए। राजनीति का नेता ये आईना है, ये आरसा है, ये आपका प्रतिबिंब है। राजनीति में जो भी नेता आता है कोई अपने मन से नहीं बन सकता है, कितना भी पैसे वाला हो। अगर कल आपके अंबानी का, अंबानी यहां पे चाहे वोट आप देते हैं, अगर पैसा लेके देते हो, विचारों से देते हो, कैसे दे, लेकिन भारतीय घटनाकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जनता है उस तरीके से उसका नेतृत्व रहेगा। अगर हम सभी राजनीति के नेताओं को तो सभी आपने भाषण करने के लिए बुलाया या डिबेट के लिए बुलाया, पहले मुझे आप क्लेरिफिकेशन करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहला। अजी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भाषण सुनने के लिए बुलाए ले, डिबेट करने के बुलाए ले, वो जनता पास रोल दे रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ क्या बोलेंगे, जिस तरह से ये भ्रष्टाचारी लोग भाषण करेंगे इस मंच पे बैठ के, ये लोग डिसाइड करेंगे जनता भ्रष्टाचारी है, ये लोग डिसाइड करेंगे जनता दूसरी है। अरे पैसा ये लोग डिसाइड करेंगे। आज इनके सबके सब बंद भ्रष्टाचारी है, सब पे आरोप है, सबको सबको प्रिजनेम हुआ है, सबको जेल हो गई है। दरड़े साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। 15 साल की सत्ता आपकी इसलिए गए क्योंकि आपके सभी नेताओं पर लगभग भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके विचारों का आदर करता हूँ, पूरा सम्मान पूर्वक मैं आदर करता हूँ। जनता ने शिक्षा दी, हमारे नेता लोगों को घर पे बिठाया, उनकी अवकाश बता दी, और ये होना जरूरी था। लेकिन इस तरह हमने बाकी की जनता ने इनको चिता के दिया ना, उसके पीछे भी कारण था, लोगों की व्यथा थी। आज ये व्यथा बहुत दर्दनाक हो रही है। लेकिन आज सैलरी लेने के तो आप सब लोग आगे है। मैं क्या बताया, मैं हमारे नेता लोगों को भी नहीं बख्श रहा हूँ। मैं तो कैसे दोषी मान रहा हूँ? अरे पहला तो आप दोषी है। लेकिन सत्ताधारी जो मुख्यमंत्री, उनको समझ में आना चाहिए वो क्या करने जा रहे, क्या कर रहे ले। अरे विरोधी पक्ष का काम आप भूल गए हो। आप पहले आपका काम याद करो क्या है। आप है ना, आप खुलासा करिए सही सही ढंग से। आप बोलिए बाबा ये आप एक्सेप्ट करिए, नहीं गलत है, गलत है। हम आपके पास हमने कहा ना, हमारे नेता लोग गलत है, हमने कहा, हमने हमने छुपाया नहीं, हमने बड़े दिल से हमने कहा गलत है। अरे आपके कहने से क्या होता है, हम जनता आप जिस पार्टी के, आप जिस पार्टी की वकालत कर रहे हो उस पार्टी की बात करो। वकालत नहीं कर रहा हूं मैं, इसका एक दूसरा वकालत एक शब्द फिर से, उसकी एक जो दूसरी बाजू है वो मैं जनता के सामने। मेरा आखिरी सवाल आप सबसे, एक आखिरी सवाल मेरा आप सबसे, आप जितनी शिद्दत से अपना मुद्दा इस चैनल के थ्रू बता रहे हैं, एक आखिरी सवाल मेरा आप तीनों से। विजय इंगले जी पहले आपसे पूछूंगा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी आप है, क्या आप अपनी पार्टी के विधायकों को ये कहेंगे कि अगली बार जब जनता के अंदर आप ये ले, मैं वोट मांगने के लिए जाऊंगा ना, तो जनता कहेगी अपने विधायकों को कहो 80,000 का जो है ना वो जरा उसको सोचना चाहिए था। क्या आप ये कहेंगे कि ये जो बढ़ी हुई सैलरी है उसे आप नकार दो? बिल्कुल मैं आपके मत से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आनी चाहिए। अगर अच्छे लोग आने चाहिए राजनीति में, इसके लिए अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन अगर, अच्छे दिन अगर आने चाहिए, अच्छे लोग अगर आने चाहिए तो अच्छी सैलरी भी होनी चाहिए। इसका मतलब और मुझे मिला तो आखिरी सवाल है, मुझे मिला तो अच्छा, आपको मिला तो बुरा, ये आपने भी छोड़ देना चाहिए। अजी साहब बस एक बार मैंने विधायक पद की शपथ क्या ले ली, जिंदगी भर के लिए 50,000 रुपए का मुझे पेंशन मिलेगा, इस बात का क्या पैसे नहीं, इस देश के 125 करोड़ जनता को, इस देश के शपथ लेना, इस देश के
इस देश के 125 करोड़ जनता को एमएलए और एमपी बनने का रास्ता खुला है। ये पगार बिल्कुल ये पगार आपको भी मिल सकता है। बिल्कुल, अगर आप एमपी एमएलए बनते हैं तो आपको दोनों तरफ से भी आपको सैलरी मिलेगी, दोनों तरफ से भी आपको पेंशन मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी ये भी प्रावधान किया गया है। तो सभी के लिए खुला है ना, सभी के लिए है, तो इसको बंद करना चाहिए। इसीलिए तो हम डिबेट कर रहे हैं, जनता का पैसा लूटो मत। आखिरी इस बस में कोई अंत नहीं। आखिरी कमेंट मैं दरड़े साहब से लेना चाहूंगा कि क्या आप अपने नेताओं को कहेंगे कि अगली बार अगर आप वोट मांगने के लिए हमें लोगों के सामने भेजेंगे ना, तो हमें भी शर्म से कहना पड़ेगा कि हमारे नेताओं ने इतना सैलरी मांगा, आपके लिए वोट नहीं मांग पाएंगे। पहले आप अपनी विधायक की जो सैलरी और पेंशन उसको कम करवाइए, तभी हम जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। क्या आप अपने नेताओं से कहेंगे? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सम्मानपूर्वक आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि नेता लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमने गलत काम किया है तो हम लोगों को कैसा फेस करेंगे। क्योंकि हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी लोगों के पास जाना पड़ता है और लोगों को वोट देने के लिए उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से लोग हमको सवाल पूछेंगे तो हम उधर वहाँ सवाल देने के लायक नहीं रहेंगे। आखिरी सवाल इस सेम मैं कोटनी जी से जानना चाहूँगा, आपकी कमेंट। भाई ऐसा है कि जो जिस ढंग से पगार बढ़ती है, मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले कितने कमाते थे, बाहर कितने कमाते थे, और ये करने के बाद भी हम लोगों के सामने नहीं जा सकते। लोगों के सामने जाना है तो चेहरा जो है अपना वो बदलना होगा, नहीं तो ऐसे करने के बाद आप लोगों को लूट रहे हैं। यही मेरा कहना है, मैं खुद बोलूँगा कि ऐसा होना है तो मैं तो किसी के पास जाने वाला नहीं हूँ, ये मैं पहला बोल देता हूँ। इस राज्य में कुल 800 से ज़्यादा पूर्व विधायक हैं, इन सबको 50,000 रुपये की पेंशन शुरू हो जाएगी। इसमें से एक विधायक, कई और होंगे, सिर्फ मुझे एक विधायक जो अब इस वक्त याद आ रहे हैं, परभनी जिले के गंगाखेड़ के हैं, ज्ञानोबा हरी गायकवाड़। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे ही उनकी टर्म खत्म हुई उसके 2 महीने बाद मैंने खुद उनको रोजगार हमी योजना के काम पर जाते हुए देखा, यानी मजदूरी करते हुए देखा। ऐसी बुरी हालत भी नहीं होनी चाहिए कि वो मजदूरी करने के लिए जा पाए, जाने की नौबत आए, लेकिन इतनी भी नौबत ना हो कि आपको जेल में डाला जाए भ्रष्टाचार के लिए, आपकी संपत्ति जब्त की जाए, आपके महलों के फोटो सारे अखबार में चैनल्स पे दिखें और आपको जनता जो है सिरे से नकार दे। ये दोनों भी नहीं होना चाहिए, इसका सुवर्ण मध्य होना चाहिए। जैसे विजय इंग्लिश जी साहब ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में अगर 50,000 सैलरी मिलती तो उतनी यहाँ भी मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलनी चाहिए कि कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरियाँ छोड़ लोग जो है राजनीति को अपना करियर समझने लगे। आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।